आप लोग मदीना आते हैं तो मैं यही कहूँगी बिलाल मार्केट ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत सही प्राइस में आपको हर एक चीज़ उस मार्केट के अंदर मिल जाती है, चाहे वो बाहर की हो या फिर मॉल के अंदर हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कौन सा बाया पसंद आया है, जो हमने लिया वो कैसा लगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, बस सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा भाया लिया है और कितने में लिया है, और तभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला, मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये लेडीज़ और बच्चों का भी इसी तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये नमाज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, मतलब आप कपड़े के ऊपर पहनकर आ सकते हैं। इसमें टोपी टाइप में भी लगा हुआ होता है, जैसा आपने देखा है, और काफ़ी कलर इसमें भी होते हैं। और ये 30 रियाल में इन्होंने बताया मुझे, और बच्चों का तो 20 रियाल है फिक्स, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। एंड ये जो है, ठीक है, ये 5 रियाल में है, तो मैंने यहाँ से 2 लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी फिर घर जाकर कि मैंने क्या क्या लिया है। और अब हम यहाँ पे दूसरी शॉप में आए हैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बिलाल मार्केट ये पूरा है, उसी के सामने ही ये मॉल है, ठीक है। और चलिए अंदर से दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है, किस तरह के अभ्यास हैं, काफ़ी वैरायटीज़ हैं इनके पास भी। और यहाँ पे बस थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा है। मुझे ये वाइट वाला बहुत पसंद आया, क्योंकि लाइट वेट है, सिंपल है, और ट्रैवलिंग में इसी तरह के मुझे कंफर्ट, इसी तरह के मतलब आवायास में होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसी मॉल से एक शॉप में मिल लिया था, वो भी काफ़ी कम्फर्ट, मतलब आपको फ़ील होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अबाया वगैरह पहना है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों के दिनों में। और ये देखिए गोल्डन वाला भी, ये मुझे भी पसंद आया, और एक्चुअली मैं अपनी ननद के लिए देख रही थी, तो बस उसको भी मैंने दिखाया है, तो उसको भी ये वाला डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल हम क्या लेते हैं और कौन सा बाया लेते हैं, तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। थोड़ा सा एक बार ये गोल्डन वाला नकाब दिखाओ ना, ये जैकेट वाला जो हमने लिए हैं, ये फुल, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने ना ये वाला फाइनल कर लिया, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वाइट वाला दिखाया था इनकी शॉप पे। इसमें थोड़ा सा भी उस वक्त दिख नहीं, लेकिन इस पर थोड़ा सा वाइट कलर के कपड़े में ना बूंदी बूंदी टाइप में बना हुआ है, अच्छा लगा मुझे। बस थोड़ा सा दुपट्टा जो है इनका पतला लगा, मतलब जो लेंथ है ना वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और हम दूसरा भी लगा सकते हैं, लगाना होगा, अभी तो फैशन है। और जो गोल्डन वाला मैंने आपको दिखाया वो वाला भी हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ हमें दोनों नकाब 140 में मिल गया है, 150 वो बोल रहे थे, लेकिन फाइनल 140 में हो गए, लेकिन उसमें नोज पीस नहीं थी। इससे पहले मैंने जिस शॉप से लिया था वहाँ पे उन्होंने नोज पीस भी दी थी और फ्री में दी थी, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे पहला नकाब है, ठीक है, ये मैंने एक दूसरी शॉप से उसी मॉल के अंदर जो मैं बात कर रही थी वहाँ से मैंने लिया था, इस पर उन्होंने मुझे नोज पीस भी दी थी, और ये दुपट्टा मैंने चेंज करके उनसे लिया था, ठीक है। आप अगर वो भैया को बोलते हो ना तो वो एक्सचेंज कर देंगे आपको जो दुपट्टा, उनके पास काफ़ी वैरायटीज़ होती है। और ये दूसरा वाला भी मैंने उन्हीं की शॉप से लिया था, और मुझे ये 90 में पड़ा था, 90 रियाल में, ठीक है, लेकिन काफ़ी सालों से मैं ये वाला नकाब पहन रही हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नग लगा है, ये आपको शायद अभी वीडियो में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये हैवी लगता है, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन हम उसी शॉप पे गए थे, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो उन्हीं की शॉप पे जाती हूँ, क्योंकि वो भैया काफ़ी वो भी बहुत अच्छे हैं, और इनकी शॉप पे भी मुझे आकर काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी दुपट्टा भी देखिए लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन इस बार रिनोवेशन का क्योंकि मॉल में काम हो रहा था तो काफ़ी मतलब शॉप्स बंद थी, तो फिर हम इसलिए दूसरी शॉप में आना पड़ा। तो उनका क्या एड्रेस है जो फर्स्ट शॉप है, मैं आपको एंड में दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देखिए फर्स्ट शॉप से ही मैंने ये ब्लैक कलर का लिया था, बहुत ही अच्छा था, ये भी 90 रियाल में था, बहुत ही हल्की कढ़ाई थी, ठीक है, इस पर वर्क था, एम्ब्रॉयडरी थी, और उस पर उन्होंने मुझे देखिए नोज़ पीस भी थी दी थी, ठीक है, फ्री में दी थी। अगर हम ख़रीदने भी जाते हैं ना 10 से 15 रियाल सिर्फ नोज़ पीस का लग जाता है। तो बस अब घर आ चुके हैं हम, और मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देती हूँ फिर से, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे तो मैंने वीडियोज़ में दिखा दिया था लेते वक्त, लेकिन फिर भी आपको घर ला के एक बार दिखा रही हूँ,
तो ये वाइट वाला है। बस थोड़ा सा दुपट्टे की लेंथ जो है ना कम है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस पे नोज़ पीस सिर्फ मैं ब्लैक लगा लूँगी या फिर देखती हूँ अगर वाइट मिलती है तो। और बाकी दूसरा मैं आपको ये ब्लैक वाला दिखा रही हूँ, ठीक है। ये गोल्डन वाला है, सॉरी मेरी ननद का, तो मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली दिखा दिया था वो वाला। और ये जो फर्स्ट शॉप है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये उनका देखिए एड्रेस है, ठीक है, ये उनका नंबर वगैरह है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ठीक है। आप जाते हैं तो ये, अगर आपको वहाँ जाना तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग मदीना जाते हैं और किसी को मेरी तरह आया अगर शौक हो या लेना हो तो आप इस मॉल के अंदर जाके इजीली ले सकते हैं, बस बार्गेनिंग कर लेना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।